भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार का दिन बैठकों के नाम रहा, जहां एक के बाद एक कई मैराथन बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की अलग से बैठक ली। मंत्रियों की बैठक की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में दो दिन आवश्यक रूप से रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्रियों को आम जनता के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए और अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर किस तरह से काम करना है, ये टिप्स भी सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दिए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अधिकांश मंत्री कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों वाले मंत्रियों को इस तरह के टिप्स भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं। बैठक में बहुत सारी बातों की अभी शुरुआत है और हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएम के साथ में अभी हम मंत्रियों की बैठक अलग से हुई, अलग अलग संगोष्ठियां हो रही हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं, बहुत अच्छे बातें निकल कर भी आ रही हैं और जो निर्देश पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं उन निर्देशों का पालन करना हम सारे मंत्रियों का कर्तव्य है। बहुत सारे ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं, बहुत अच्छे सुझाव निकल कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे वो निर्देश मिल रहे हैं कि जिनका पालन हमको करना ही चाहिए। और पार्टी में चूंकि मैं सरकार का अंग हूँ, हम सरकार के लोगों के लिए सत्ता के संगठन के लोगों के साथ में मिलकर विचार विमर्श कर आगे कार्रवाई करना। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।